हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। और ये जो हमारी जो वीडियो सीरीज है जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस पोस्ट करते हैं, वो अंग्रेजी कैसे सीखें इस पर बेस्ड होती हैं कि कौन से टेक्निक्स, कौन से रूल्स, कौन से स्ट्रक्चर्स और कौन से तरीकों का यूज करके हम अंग्रेजी बेहतर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार अपना रिक्वेस्ट दोहराऊं कि आपको इस वीडियो को ऑन करने के समय अपने पास एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठना चाहिए, ताकि जरूरी चीजों को आप नोट डाउन कर सकें, बाद में उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक ऐसे आदमी के पास गया जो सपनों की व्याख्या करता था, जो सपनों के बारे में सुनकर ये बताता था कि उनका मतलब क्या है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या वो किसी चीज का इंडिकेशन है। तो जो आदमी सपनों की व्याख्या करने के पास वाले के पास गया था, उसने अपना सपना उसे सुनाया और फिर पूछा कि कृपया मुझे बताइए इस सपने का मतलब क्या है। व्याख्या करने वाले ने कहा कि जो सपने तुम सोई हुई आंखों से देखते हो, उनका कोई मतलब नहीं होता। मेरे पास तब आना जब तुम जागती आंखों से सपने देखने लगो, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन सपनों का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जो सपने रात को हम सब नींद में देखते हैं, उसका सही में हमारे लिए कोई वजूद नहीं होता। वे हमारी दुनिया में बहुत मायने नहीं रखती। वो सपने मायने रखते हैं जो हम जागती आंखों से देखते हैं, और शायद जिनके आने के बाद हमें नींद नहीं आती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, द बेस्ट वे टू रियलाइज आवर ड्रीम्स इज टू वेक अप। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नींद से जग जाओ। यहां नींद से मेरा मतलब आलस्य की नींद से है, प्रमाद की नींद से है, काम को टालने की नींद से है। इन सब आदतों को छोड़कर अभी और इसी समय करें। ये एटीट्यूड खुद में डेवलप करके हम जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं, हम बस कदम तो आगे बढ़ाएं। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने के समय में कुछ बातें आपको बताऊं। जैसे पिछले सप्ताह मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया, और हमने पुराने समय की बहुत सारी बातें की, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अपनी पुरानी यादों को शेयर किया कि हम क्या किया करते थे, कैसे रहा करते थे। तो दोस्तों, उसमें से दो चार बातों को मैंने बोर्ड पे लिखा जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लास्ट वीक अ फ्रेंड केम टू सी मी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। वी टॉक्ड ऑफ ओल्ड डेज। ही रिमाइंडेड मी हाउ वी यूज्ड टू गो टू हिज स्कूल ऑन फुट। He also mentioned how when we returned hungry from school in the afternoon, my mother would cook tasty snacks for us. तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे बीच हुई। जैसे पिछले सप्ताह मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया, और मैं उसे देख के बहुत खुश था। I was very happy to see him. We talked of old days. हमने पुराने दिनों की बातें की। He reminded me how we used to go to school on foot. उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे हम स्कूल पैदल जाया करते थे, स्कूल बस में नहीं जाते थे। He also mentioned how when we returned hungry from school in the afternoon. उसने इस बात का भी जिक्र किया, इस बात की चर्चा की कि कैसे जब हम आफ्टरनून में भूखे स्कूल से लौटते होते या लौटते थे, my mother would cook Tasty snacks for us. तो माँ हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया करती थी। So he talked of all those things. उसने इन तमाम चीजों की बातें की। तो अभी मैंने उन चीजों को, कुछ चीजों को आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रेजेंट के बारे में है, क्या ये अभी के समय के बारे में है, क्या ये बातें अभी होती है या अभी हो रही है? इसका उत्तर है नो, अभी नहीं हो रही। क्या ये आने वाले समय में होने वाली चीजों के बारे में है, यानी भविष्य में जो होगा उसके बारे में है? तो भी आपका जवाब होगा नहीं। ये किसके बारे में है? ये अतीत के बारे में है। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट
पास्ट। हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम अतीत की बातें कर रहे हैं। कब की बातें कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट पास्ट। हम किसकी बातें कर रहे हैं? अतीत की, पास्ट की बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, जब हम पास्ट की बातें कर रहे हैं और हमने इतने सारे सेंटेंसेस लिखा है, तो ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं इसे। लास्ट वीक अ फ्रेंड केम टू सी मी, इट मींस, देखिए दोस्तों, पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है अ फ्रेंड और वर्ब है केम, ओके। दूसरे वाक्य में आई वॉज वेरी हैप्पी, हमारा सब्जेक्ट है आई और हमारा वर्ब है वॉज, ओके। तीसरे वाक्य में वी टॉक्ड, तो हमारा सब्जेक्ट है वी और टॉक्ड, ये हमारा वर्ब है। ही रिमाइंडेड मी, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ही और वर्ब रिमाइंडेड। एंड वी यूज्ड टू गो, हमने देखिए इस सबॉर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट वी रखा और यूज्ड टू का यूज किया हमने, क्या यूज किया हमने? यूज्ड टू का यूज किया। और उसके बाद फिर हमने वर्ब को स्टेम फॉर्म या पहले फॉर्म में यूज किया, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही ऑल्सो मेंशनड, यहां भी सब्जेक्ट ही और फिर इसके साथ हमने मेंशनड नाम के वर्ब का यूज किया। When we returned, यहां भी सब्जेक्ट वी और returned वर्ब। तो इस तरह से इन तमाम सेंटेंसेस में आप जानते हैं, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ये प्राइमरी नीड्स हैं, ये बिल्कुल प्राथमिक आवश्यकताएं हैं किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो अब जब हम अतीत की बातें कर रहे हैं, जब हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब के किन रूपों का यूज किया है। हमने यूज किया है केम, फिर हमने यूज किया वॉज, अगले सेंटेंस में हमने यूज्ड टू का यूज किया, यूज्ड टू या यूज्ड का यूज किया। उसके बाद हमने इंफिनिटिव टू प्लस वी वन फॉर्म में टू गो यूज किया। फिर आप ध्यान से देखें, मेंशन, हमने एक वर्ब यूज किया मेंशन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने यूज किया रिटर्न्ड, वेरी गुड। और उसके अगले सेंटेंस में मदर वुड कुक, हमने वर्ड क्या यूज किया? वुड कुक, इट मींस हमने वुड प्लस वी वन यानी वर्ब के पहले रूप स्टेम फॉर्म का यूज किया दोस्तों। तो आप देखिए कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब्स किस रूप में आते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो जो कुछ एक्टिविटी या एक्शन करता है या वो जिसके बारे में हम उस सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद अगर इन तमाम वर्ब्स के रूपों पे आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये केम कम वर्ब का दूसरा रूप है, पास्ट फॉर्म है। वैसे ही ये वॉज बी वर्ब या वर्ब टू बी जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म वी टू है ना। फिर उसके बाद हमने यूज वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज्ड का यूज किया, फिर हमने मेंशन वर्ब के सेकेंड फॉर्म मेंशन का यूज किया, फिर हमने रिटर्न के सेकेंड फॉर्म रिटर्न का यूज किया, उसके बाद हमने विल के सेकेंड फॉर्म वुड का यूज किया दोस्तों। तो जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब के दूसरे रूप वी टू या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो पॉइंट आउट मैं करना चाहता हूं कि जब भी हम पास्ट में हुई किसी चीज की बात करते हैं, किस सिचुएशन में? सम एक्टिविटी दैट हैपेंड इन पास्ट, वो कब हुई? दैट हैपेंड इन पास्ट। ये चीजें, कुछ चीजें जो निकल के हमारे इस पैसेज से सामने आ रही हैं, सम एक्टिविटी दैट हैपेंड इन पास्ट। दूसरी चीज ध्यान देने की है, दैट एक्टिविटी गॉट ओवर, ये खत्म हो चुकी है यानी अब ये नहीं हो रही, ठीक है। तीसरी चीज आप गौर से देखें जो इस पैसेज से निकल के आ रही है, we are using the verb in its
सेकेंड फॉर्म, विच फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म, हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म। और दूसरी चीज देखिए कि इन वर्ब्स की सहायता से हम और भी कुछ कर रहे हैं। हमने कहा he reminded me, उसने मुझे याद दिलाया, that is a short past action, past में खत्म हो जाने वाला एक action है। दूसरा we used to go to school, यानी हम स्कूल जाया करते थे। तो जब हम कहते हैं स्कूल जाते थे या जाया करते थे, इसका मतलब हम पास्ट में होने वाली लंबे समय तक चलने वाली या फिर हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में बार बार होती थी, रिपीट करती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, वी ऑल्सो शो रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, रिपीटेड एक्टिविटी और एक्शन इन पास्ट। कैसे दिखाते हैं, विथ द हेल्प ऑफ यूज्ड प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से हमारा मतलब है 2+V1। इन्फिनिटिव वर्ब का वो रूप होता है जिसमें हम उसके स्टेम फॉर्म के पहले टू लगा के यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू गो, टू कम, टू वॉक, टू रन एटसेट्रा। इनका क्या काम होता है, इनका सिर्फ एक काम, मेजर काम जो होता है वो है किसी एक्शन को नाम देना, किसी भी एक्टिविटी को नाम देना। जैसे जब हम कहते हैं टू गो, तो टू गो हमारे जाने वाली जो एक्टिविटी है उसका नाम है, वैसे ही टू रन दौड़ने की एक्टिविटी का नाम है, टू ईट खाने की एक्टिविटी का नाम है। तो बेसिकली जब हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो हमारा काम होता है, हमारा मकसद होता है किसी एक्टिविटी को नाम देना। तो दोस्तों यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं और आप देखिए हमने यूज्ड के साथ इन्फिनिटिव, यूज्ड टू गो यूज करके हमने पास्ट की हैबिट या रिपीटेड एक्टिविटी को बताया। और ये काम हम सीधे सीधे V2 के मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से, वेरी हैप्पी टू सी हिम, वी टॉक्ड ऑफ ओल्ड डेज, रिमाइंडेड मी हाउ वी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ही ऑल्सो मेंशन हाउ वी रिटर्न्ड हंग्री फ्रॉम स्कूल, वी रिटर्न्ड। ये देखिए हमने वर्ब का दूसरा रूप यूज किया है, रिटर्न्ड, वी रिटर्न्ड हंग्री फ्रॉम स्कूल, इट मीन्स एवरी डे, प्रतिदिन जब हम स्कूल से लौटते थे तो हमें बड़ी भूख लगी होती थी। तो ये भी रिपीटेड एक्शन है, ये पास्ट में बार बार होता था, लगभग रोज ही होता था जब हम स्कूल जाते थे। तो हम पास्ट के बारे में जब बात करते हैं तो हम रिपीटेड एक्टिविटी या एक्शन की बात भी कर सकते हैं, कैसे, एक तो यूज्ड प्लस इन्फिनिटिव का यूज करके, दूसरा सिंपल वर्ब के V2 यानी पास्ट फॉर्म का यूज करके भी हम रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन की बात कर सकते हैं, आदत वाली या बार बार दोहराई जाने वाली एक्टिविटी की पास्ट में बात कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें सामने निकल के आई दोस्तों, और सबसे जो बड़ी बात देखिए ध्यान से कि यहां कम वर्ब ने कैसे पास्ट फॉर्म अपना चेंज किया, पास्ट में कैसे आया, ये केम हो गया, ओके। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे हम टॉक कैसे चेंज हुआ, ये टॉक्ड हो गया, टॉक बदल के टॉक्ड हो गया। तो इन दोनों वर्ब्स को ध्यान से देखिए, दोनों के पास्ट फॉर्म में बदलने के अलग अलग तरीके हैं। ये कैसे बदला, इसने ईडी का यूज किया, तो डी या ईडी का यूज करके बहुत सारे वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और भी वर्ब्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लॉक यानी बंद करना, इसको कैसे पास्ट में यूज करते हैं हम, लॉक्ड। वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं, वॉक चलना, उसको पास्ट में कैसे बदलते हैं, वॉक्ड। तो ये एक तरीका है वर्ब्स को पास्ट में बदलने का, मतलब कुछ वर्ब्स जब अपने पास्ट फॉर्म में आते हैं तो कैसे आते हैं, अपने साथ डी या ईडी जोड़ के आते हैं। वही कुछ वर्ब्स बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे हमने कम में कम्ड नहीं बनाया, उसमें डी नहीं जोड़ा, उसके रूप को परिवर्तित कर दिया, इसके इंटरनल जो इसके अंदर जो वॉवल था वो उसको चेंज करके हमने ए किया और ये कम से केम बन गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे ध्यान से देखिए, रन को जब हम पास्ट बनाते हैं तो ये रन नहीं बनता, ये रैन बन जाता है, ठीक है। वैसे ही जब हम ईट को वर्ब बनाते हैं
तो ये ईट क्या बनता है, ये ईटेड ही नहीं बनता, ये एट बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज करके पास्ट फॉर्म बनाते हैं दोस्तों। तो ये जो वर्ब्स हैं जो अपने फॉर्म को चेंज करके पास्ट फॉर्म बनाते हैं उनको हम कहते हैं इररेगुलर, इररेगुलर वर्ब्स, इनको हम इररेगुलर फॉर्म्स या वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, इररेगुलर फॉर्म्स कहते हैं इनको। और ये इररेगुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं। और ये जो वर्ब्स हैं जो जनरली डी या ईडी लेकर के अपना पास्ट फॉर्म बनाते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। रेगुलर फॉर्म से मतलब है एक कांस्टेंट फॉर्म, जैसे डी या ईडी को अपने साथ लगा करके ये पास्ट फॉर्म बनाते हैं, जबकि इन वर्ब्स का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। मतलब अलग अलग वर्ब्स अलग अलग तरीके से अपने रूप को चेंज करके पास्ट फॉर्म में आते हैं, जैसे ईट एट बन जाता है, रन रैन बन जाता है, कम केम बन जाता है। तो ये इरेगुलर तरीका है, अनियमित तरीका है प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म को बनाने का, इसलिए इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जो डी ई डी लगाने के रेगुलर तरीके से पास्ट फॉर्म को बनाते हैं उनको हम रेगुलर फॉर्म में रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसे सब्जेक्ट और उसके बाद वी टू लगा के बनाया जाता है। दूसरी चीज कि सब्जेक्ट प्लस वी टू लगा के जो सेंटेंसेस बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो क्या बातें करते हैं, दे टॉक ऑफ सम एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज की, उन एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में हुई थी, या फिर उन एक्टिविटी की बात करते हैं जो खत्म हो गई, जो अब अभी नहीं हो रही। दे आर नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी बोलते समय नहीं घट रही, वो पूरा हो चुकी है, दे गॉट ओवर। तीसरी चीज, हम इसमें वर्ब के किस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, दूसरे फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ये पास्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, यानी पहले रूप को बदल के दूसरे रूप में लाते हैं। चौथी चीज, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन एक्टिविटी की बातें नहीं करते जो एक बार हुई और खत्म हो गई, हम उन एक्टिविटीज की भी बात करते हैं जो पास्ट में बार बार दोहराई जाती थी या बार बार रिपीट होती थी, अब नहीं होती, यानी जो पास्ट में हैबिचुअल थी, यानी हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट। तो हम उन चीजों की चर्चा भी करते हैं वी टू के माध्यम से। और हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करने का एक और तरीका है यूज्ड प्लस इंफिनिटिव। जैसे देखिए, हम ऐसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जैसे आई यूज्ड टू स्विम एवरी डे इन द सी व्हेन आई वाज इन चेन्नई, व्हेन आई वाज इन चेन्नई। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं चेन्नई में था तो मैं रोज समंदर में तैरता था, यानी यह मेरा हैबिचुअल एक्शन है, ये बार बार रिपीट होता था, मैं रोज शाम को जाके समंदर में तैरा करता था। तो इट मींस इट टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन, यानी आदत वाली जो एक्टिविटी है, ये रिपीट होने वाली जो एक्टिविटी को दिखा रही है। हमने कैसे स्ट्रक्चर यूज किया, हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर हमने यूज्ड लिखा, उसके बाद हमने इन्फिनिटिव फॉर्म को यूज किया, ठीक है, हमने क्या यूज किया, इन्फिनिटिव। जब मैं इन्फिनिटिव कहता हूं तो मेरा मतलब जनरली टू प्लस वी वन फॉर्म से होता है, जिसका काम होता है किसी एक्शन को नाम देना, टू नेम सम एक्शन। तो हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में ऐसे भी बात कर सकते हैं ये सब। और दूसरा, हम सीधे सब्जेक्ट के वी टू फॉर्म को यूज करके हम हैबिचुअल एक्शन की बात कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं हैबिचुअल, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्टिविटीज इन पास्ट, रिपीटेड एक्टिविटीज इन पास्ट, यानी पास्ट में बार बार दोहराई जाने वाली एक्टिविटीज। इनको दो तरह से व्यक्त करेंगे, पहला सब्जेक्ट के बाद यूज्ड और उसके बाद इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का पहला रूप, टू प्लस वी वन, या फिर हम सीधे सीधे सब्जेक्ट के साथ V2 जोड़ के कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं I used to swim every day in the sea, मैं रोज समंदर में तैरता था। हम ऐसे भी कह सकते हैं
आई स्वैम swam, फिर मुझे स्विम को स्वैम यानी दूसरे रूप में टर्न करना पड़ेगा, उसके पास्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, फिर हम यूज यूज नहीं भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई स्वैम एवरी डे इन द सी व्हेन आई वाज इन चेन्नई। तो इन दोनों तरीके से हम पास्ट के हैबिचुअल फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने पास्ट के बारे में बातें की, कैसे बातें की हमने, हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब के दूसरे रूप का इस्तेमाल किया, फाइन, और हमने उन एक्टिविटीज की बातें की जो या तो हुई और खत्म हो गई विद गॉट ओवर इन पास्ट, या फिर उन एक्टिविटीज की बातें की जो पास्ट में बार बार रिपीट होती थी, दोहराती थी, और जब दोहराई जाती थी उनके लिए हमने यूज्ड के साथ उनके इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया, यूज्ड टू गो, यूज्ड टू कम, यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड टू टॉक, यूज्ड टू टेल मी अबाउट थिंग्स। तो ये हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट है। तो ये देखा, आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम पास्ट से रिलेटेड कुछ और चीजों पे गौर करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और अगर ये चीजें आपको समझ में आई और इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इनको इनकी व्याख्या हुई वो आपको समझ में आ गई, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपके पास आने वाली और पीछे की तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी पहुंचेंगी और आपको इससे फायदा होगा। तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।